हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल टॉपर्स टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का है। गाइस, इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट्स अबाउट इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो जो इसका पार्ट वन है उसमें हम बस इन्फ्लेशन के टर्म्स क्या होते हैं, क्या इन्फ्लेशन होता है, क्या मेजर्स RBI ने टारगेटिंग की है और किस तरीके से हम जिस टाइप की भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इस वजह से इसको दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। एक आज पार्ट है, एक कल आ जाएगा जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो जो प्राइस राइज हो रहा है वो परसिस्टेंट है, मतलब ये नहीं है कि वो एक दो दिन के लिए हुआ है, वो अच्छा खासा लंबे टाइम के लिए प्राइस राइज हुआ है। दूसरा, आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि एक सिंगल गुड का यहाँ पे प्राइस राइज नहीं हो रहा है, मतलब एक सिंगल चीज़ की कीमत नहीं बढ़ेगी। मल्टीपल चीज़ों की जब कीमत बढ़ती है एक लंबे टाइम के लिए और एक जनरल लेवल ऑफ प्राइसिस में इंक्रीज़ होता है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के साथ एक और चीज़ आती है जिसको हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन प्राइस राइज हुआ, वैसे ही डिफ्लेशन प्राइस में फॉल हुआ, मतलब कीमतों में घटावट होना। ठीक है, तो हम अगर इन्फ्लेशन को मेज़र करने की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन दो तरीके से मेज़र की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडाइसेस। प्राइस इंडाइसेस क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स और सेकंड इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक ऐसा मेज़र जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि प्राइसेस जो है उनका एक एवरेज लेवल क्या है, मतलब ना ही वो प्राइसेस जो हैं इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, ना ही वो डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं मतलब कि घट रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है कि जब हम उस चीज़ को होलसेल प्राइस पे ख़रीदते हैं तब कितनी कीमत बढ़ी है या घटी है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मतलब आप एक सिंगल इंडिविजुअल अगर उस चीज़ को ख़रीदने जा रहे हैं, एक सिंगल पीस ख़रीदने जा रहे हैं, तो उस टाइम कीमत बढ़ी होगी या घटी होगी। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एक तरफ हो गया बल्क अमाउंट के लिए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक सिंगल कमोडिटी के लिए हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या देखा जाता है? एक एवरेज लेवल देखा जाएगा प्राइस का। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो प्राइस इंडेक्स होता है वो कभी भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता, मतलब ये नहीं है कि 2 रुपये ही बढ़ा है। इसमें जो होती है एक रेंज दी जाती है कि इतना बढ़ा है और ये कभी भी एक सिंगल गुड के लिए नहीं होता है। इन्फ्लेशन की जो मेज़रमेंट होते हैं वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होती है। पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2019 को इन्फ्लेशन टारगेट मेज़र किया गया था तो 1 जनवरी 2020 को ही वो दोबारा मेज़र किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 31 दिसंबर को या 2 जनवरी को उसे मेज़र कर दे, ये पॉइंट टू पॉइंट होगा। जिस डेट को पिछले साल किया गया था उसी डेट को अगले साल यहाँ पे किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। देखिए, इन्फ्लेशन के होने के 2 रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, यहाँ पे डिमांड वर्ड आ गया, मतलब कि लोगों की डिमांड बढ़ी है। लोगों की डिमांड कब बढ़ती है? अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो आपको ये पता है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, इसमें चाहे तो मैं अपनी नेसेसिटी पूरी कर सकता हूँ या फिर मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे? अपनी नेसेसिटी को पूरी करेंगे। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ गई आपके हाथ में तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब किसके लिए डिमांड बढ़ रही है? चाहे वो नेसेसिटी वाली चीज़ों के लिए या फिर जो आपके शौक हैं उसके लिए। तो डिमांड बढ़ी है मतलब कि कंज्यूमर्स जो हैं उनकी एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर हो जाएगी, उनके हाथ में ज़्यादा मनी आ जाएगी और यहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का वो सेम रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर प्रोडक्शन सेम रहेगा और डिमांड ज्यादा हो रही है तो वो जो कंज्यूमर्स हैं मतलब जो गुड्स हैं वो कम पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका प्राइस राइज हो जाएगा और इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं पर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, कॉस्ट पुश इसके नाम से समझिए कि कीमतों को धक्का दे दे के बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जा रहा है? कि लोगों के हाथ में पैसा अच्छा खासा है, उन्हें वो चीज़ चाहिए चाहे कोई भी कीमत हो, तो वो उस चीज़ के लिए, मान लीजिए 5 रुपये की चीज़ थी पर जो पर्सन है उसके हाथ में पैसा है, उसको अब वो चीज़ चाहिए तो वो उसको 10 रुपये में भी खरीदेगा। तो जानबूझ के एक कॉस्ट को पुश किया गया, उसको बढ़ाया गया, डैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये दोनों ही कब हो रही है? जब लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा है, मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई
सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है और जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन सेम लेवल पे हो रहा है पर जो चीज़ें हैं वो मार्केट में कम मिलने लग गई है। अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, अगर सप्लाई साइड मतलब कि जो गुड्स है जिसकी डिमांड है मार्केट में उसकी सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकती है कि उन गुड्स को इम्पोर्ट कर सकती है दूसरी और कंट्री से। और अगर हम लॉन्ग टर्म मेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करके सप्लाई साइड लूप होल्स को ख़त्म किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम कॉस्ट साइड मेजर्स को देखते हैं तो देखिए, जो गवर्नमेंट है अगर वो उस गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगी, मतलब कि जो कीमत लग रही है उस चीज़ को बनाने में उसको कम कर देगी, जैसे ही प्रोडक्शन उस चीज़ की कम होगी उसके रेट भी कम हो जाएंगे। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है? एक्साइज ड्यूटीज़ को कम करके, कस्टम ड्यूटीज़ को कम करके, मतलब कि टैक्स ब्रेक कट्स दे के प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म की बात। लॉन्ग टर्म में कैसे इसको टैकल किया जा सकता है? वही है, बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस करके और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के थ्रू जो ये सप्लाई साइड में कॉस्ट साइड में मेजर्स आ रहे हैं उनको ठीक किया जा रहा है। फिर इम्प्लीमेंटिंग टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जो मनी सप्लाई मार्केट में हो रही है वो घटानी है या बढ़ानी है, ये जिम्मा किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रही है वो कट डाउन हो जाएगी। जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई नहीं होगी तो लोगों के हाथ में भी पैसा नहीं आएगा। तो जहाँ पर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर रहे थे कि डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा, या फिर डिमांड कर करके कॉस्ट बढ़ा रहे थे चीज़ों की क्योंकि उनके हाथ में पैसा है, वो पैसा उनसे ले लिया जाएगा और वो अब इस तरीके से इन्फ्लेशन कोस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है। वो बैंक्स को कहता है कि आप अपने पास कैश रिजर्व रेशो अच्छा खासा मेंटेन कीजिए वरना हम आपका साथ आगे नहीं देंगे। और यहाँ पे आरबीआई दूसरी चीज़ क्या करता है कि जो मनी होती है उसको कॉस्टलियर बना देता है, मतलब बैंक रेट को और जो रेपो रेट्स होते हैं उनको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई हो रही थी मार्केट में थ्रू लोन्स वो कम हो जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे लो इन्फ्लेशन को। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले लो इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। एक ऐसी इन्फ्लेशन जो स्लो हो और एक प्रिडिक्टेबल लाइन्स में हो, मतलब कि होता है ना कि जैसे कि अगर कोई मौसम सा आता है तो हमारे पेरेंट्स या घर के ही लोग कह देते कि हाँ अब तो ये प्राइस इंक्रीज हो गई, या फिर आपको न्यूज़ फोरकास्ट में पता चल जाता है। तो ऐसी एक छोटी मोटी कीमत में बढ़ावत जो कि प्रिडिक्टेबल लाइन्स पे हो उसको हम लो इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन होती है ये सिंगल डिजिट की होती है, मतलब 4 रुपये 5 रुपये ऐसा का कुछ फ़र्क आ जाएगा, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन होगा। और इसको क्रिपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्रिपलिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का घुटनों की वजह से क्रीपिंग होती है कि रगड़ के चलना, तो मतलब कि मुश्किल से किसी तरीके से वो घसीटा जा रहा है, तो वो लो इन्फ्लेशन हो गया। फिर आया गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाना, मतलब कि डबल या ट्रिपल डिजिट इंक्रीज़ हो रहा है रेट्स के अंदर, उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। और उसके साथ उसके लिए कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ होती है यहाँ पे, जिसमें कि होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग या रनवे इन्फ्लेशन भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर वेरी हाई इन्फ्लेशन को शो करता है। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। एक ऐसा इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा लार्ज है और वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन हुआ ये बहुत छोटे टाइम में हुआ है, मतलब कि जैसे जो अभी तक हमने दोनों गैलोपिंग किए थे और जो लो इन्फ्लेशन देखा था वो लंबे टाइम के लिए, बट यहाँ पे बहुत छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया और वो अभी भी बढ़ रहा है, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन करते हैं। जब किसी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है तो लोग क्या करेंगे उस टाइम? तो लोग क्या करते हैं, बार्टर एक्सचेंज पे स्विच कर देते हैं। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? जो पहले के ज़माने में हुआ करता था कि अगर आपको गेहूं खरीदने हैं और आपकी किसी और चीज़ की दुकान, आपकी फलों की दुकान है, तो आप गेहूँ वाले को जाके अपने फल दे देंगे और उससे बदले में गेहूँ ले लेंगे, दैट इज़ बार्टर एक्सचेंज। तो हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम बार्टर एक्सचेंज फिर इकोनॉमी में आ जाता है। फिर आता है बोटल नेक इन्फ्लेशन। देखिए बोटल नेक का क्या मतलब होता है? जैसे आप किसी भी बोतल को देखते हैं तो उसकी नेक क्या होती है, वो बड़ी नैरो होती है। तो सप्लाई तो है, मतलब कि प्रोडक्शन तो हो रहा है गुड्स का, पर जो उसकी सप्लाई हो रही है उसमें दिक्कत आ रही है, वो नैरो हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने किसी रोड
के जब ऊपर जाके बैठ गए, बोले कि हम यहाँ से आगे किसी को जाने नहीं देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई नहीं हो पा रही है मार्केट में उस चीज़ की, और जो डिमांड है वो इक्वल है, सेम लेवल की है, कि डिमांड वहाँ से लोगों को हो रही है पर सामान पहुँच नहीं पा रहा है, डैट इज़ बोटल नेक इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स की वजह से ये होता है, और इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसा ना प्रोडक्शन में दिक्कत है, ना लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आई है, जो स्ट्रक्चर है जिसकी जगह से ये चीज़ जा रही है वहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है। और ये जो होता है ये एक तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैटेगरी में आता है, बोटलनेक इन्फ्लेशन, कि डिमांड बढ़ गई है इस वजह से जो है प्रोडक्शन सेम लेवल पे रहा है बट सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। फिर आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली प्राइस राइज होता है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, बट जो एनर्जी सेक्टर होता है और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और अगर हम बेसिकली देखें कि कोर इन्फ्लेशन इंडिया में कब आया था, तो फाइनेंशियल ईयर जो 2000 और 2001 था उसमें सबसे पहले इंडिया के अंदर कोर इन्फ्लेशन देखा गया था, जिसमें सारी चीज़ों का रेट बढ़ गया था बट एनर्जी सेक्टर और फूड पार्टिकल्स का रेट सेम था। अब इसके अलावा कुछ और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले आता है इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, कि जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ज़्यादा अमाउंट एक्सेस ओबव नेशनल इनकम, जितना नेशनल इनकम कंट्री का है उससे ज़्यादा वो स्पेंडिंग कर रही है ताकि प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ किया जा सके। अब आप एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर एक फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे वर्कर्स भी काम करेंगे, लेबरर्स भी होंगे, मैनेजर्स भी होंगे, अच्छा खासा बोर्ड भी होगा। तो जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो वो क्यों क्या कहेंगे कि हम क्यों काम करें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो वो उनके हाथ में इनकम दे देगी कि आप ठीक है एक्स्ट्रा इनकम ले लीजिए, आप काम कर दीजिए। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आया तो क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी में पैसा आ गया और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से नेशनल इनकम से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करने के लिए बेसिकली क्या होता है, प्राइस अप हो जाता है, पुश हो जाता है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। फिर आता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो अपने नेशनल इनकम से टोटल स्पेंडिंग जो होती है उससे कम स्पेंड कर रही है, और इसको आउटपुट गैप भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोडक्शन तो अच्छा खासा इंक्रीज हो गया इकोनॉमी में, बट लोगों ने उसकी डिमांड करनी कम कर दी गई है, तो उसकी वजह से आउटपुट गैप है, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट ने लगाया वो उसके पास वापस नहीं आया। फिर आता है इन्फ्लेशन टैक्स। देखिए इन्फ्लेशन टैक्स को कैसे समझिए, कि अगर इन्फ्लेशन होती है इसका मतलब ये है कि जो पैसे की वैल्यू है वो हमारी इकोनॉमी में घट गई है, पैसे की वैल्यू इरोड हो गई है, क्योंकि कितना ही पैसा दे रहे हैं कि बस हमें सामान दे दो, हम आपको पैसा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करती है और उसको सर्कुलेट करती है इकोनॉमी में, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का और फिर सर्कुलेशन का, वो सोर्स होता है इनकम का गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का केस आ गया, इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, ज्यादा करेंसी सर्कुलेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट जब करेंसी सर्कुलेशन ज्यादा कर रही है, उसकी प्रिंटिंग ज्यादा कर रही है, तो वहीं से इनकम आ रही थी सरकार को, तो वो इनकम भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो वो इनकम जो बढ़ी इन्फ्लेशन की वजह से, उसको इन्फ्लेशन टैक्स यहां पर कहा जाता है। और इससे गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन टैक्स को लेकर गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर ज्यादा लगाया होता है अपने रेवेन्यू से, तो उससे डेफिशिएट क्रिएट हो जाता है, तो उस डेफिशिएट को यहाँ पे फाइनेंस कर देती है सरकार, और उसकी वजह से जो सरकार के ऊपर कर्जा होता है या फिर वो अगर किसी ट्रबल में होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल स्पाइरल या फिर इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है। देखिए स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल फाइल्स आपने देखी होगी, ऐसे गोल गोल घूमती है कि जहाँ से आप चले वहीं पे आप वापस आ गए, स्पाइरल चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन की या फिर किसी इकोनॉमी में वेजेस इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है चीज़ों का, उसकी वजह से वेजेस बढ़ रही है। इसको सिंपल सी बात समझिए,
इसको स्टार्टिंग कैसे कीजिए कि प्राइसेस क्या थी, इंक्रीज़ हुई थी तो प्राइस इंक्रीज़ हुई तो जिसने वो प्रोडक्शन किया था उसके हाथ में पैसा आया, उसने अपने जो नीचे लेबरर्स थे उनको पैसा दिया, उन्होंने फिर वेजेस को बढ़ाया और फिर वो वेजेस बढ़ी, दोबारा उस फैक्ट्री वाले के पास पैसा आया, उसने फिर और वेजेस दी। तो वेजेस और जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के साथ बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ रही है तो गुड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गुड प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेजेस बढ़ रहे हैं, ये है इन्फ्लेशन स्पाइरल। फिर आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देखिए जब कंपनीज अपनी प्रॉफिट्स को देखती है इन्फ्लेशन के टाइम तो उनका जो प्रॉफिट दिखता है वो ओवरस्टेटेड दिखता है। ओवरस्टेटेड क्यों दिखेगा, क्योंकि मनी जो का जो अमाउंट है डिमांड बढ़ रही है तो उनकी चीज़ों का भी जो प्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इफेक्ट ऑफ करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जाती है। मतलब कि देखा जाता है कि बेसिक इनकम हमारे पास क्या बचेगी जब हम इन्फ्लेशन को यहाँ से हटा देंगे, तो ये क्या होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है और ये बेसिकली रियल प्रॉफिट ऑफ फार्म होता है कि इन्फ्लेशन को हटा के जो उनके पास रियल प्रॉफिट आया है। फिर हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम को। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, देखिए एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया और एक हो गया रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट तो वो होता है कि जो बैंक्स लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन में अगर वो किसी को पैसे लैंड करते हैं, ठीक है, वहीं पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है उसके साथ हमेशा इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या फ़र्क होता है कि जब रियल इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक लगा रही है और बोरोअर वहाँ से पैसा ले रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके सॉरी फॉर पॉज, समवन वाज देयर। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम बेसिकली क्या है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है और आपका रियल इंटरेस्ट रेट है उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम में जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट एड ऑन हो जाता है रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और अगर हम देखते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट का क्या डिफरेंस होता है तो रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से हमेशा कम होता है, तो इससे जो बोरोअर होता है मतलब कि जिसने बैंक से पैसा लिया है उसको यहाँ पे बेनिफिट होता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट दिखाने में ज़्यादा देना पड़ रहा है पर उसके ऊपर बर्डन यहाँ पे कम पड़ता है। तो डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम। नेक्स्ट इज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है कि देखिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो एक रिलेशनशिप शो करता है ग्राफिक कर्व उसको हम फिलिप्स कर्व कहते हैं। और जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो हमेशा इन्वर्स होती है। इन्वर्स आपने साइंस में पढ़ा होगा क्या होता है कि अगर एक चीज़ घटी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, ठीक है, तो ये होती है इन्वर्स रिलेशनशिप। और डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी और इन्वर्स रिलेशनशिप में एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो यहाँ पर ये ग्राफ है जो शो कर रहा है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो अगर इन्फ्लेशन लोअर होगी इकोनॉमी में इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ी है, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो इस तरीके से अगर हम इन अनएम्प्लॉयमेंट की सेंस में देखते हैं तो एक इकोनॉमी के लिए हायर जो इन्फ्लेशन होती है वो बेनिफिशियल होती है। बट ये जो रिलेशन होता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्योंकि देखिए जैसे ही लोगों को ये पता होता है कि हमारे पास हायर इन्फ्लेशन हो रही है मतलब कि उनके पास क्या होती है डिमांड भी उनकी हाई होने लग जाती है, उससे वेजेस क्रिएट होते हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो अपने आप अपने नेचुरल रेट पे आ जाती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को उसके नेचुरल रेट पे वापस लाया जाता है। इसको किया कैसे जाता है कि जो बैंक है वो इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं इकोनॉमी के अंदर जिसकी वजह से नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये बेसिकली है क्या कि हायर इन्फ्लेशन कर दी एम्प्लॉयमेंट हायर इन्फ्लेशन कर दी इकोनॉमी के अंदर जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया इकोनॉमी के अंदर। और ये जो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है किसी भी इकोनॉमी के ऊपर जिसमें कि इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन के ऊपर एज सच कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। फिर देखते हैं रिफ्लेशन को। रिफ्लेशन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी और ज़्यादा हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए रिफ्लेशन लाया गया। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है, हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, मतलब कि यहाँ पे उनका एम है गवर्नमेंट का कि इकोनॉमी में पैसा आए। तो हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर जब होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, टैक्स कट कर दिए जाएंगे, टैक्स कट करेंगे लोग कम टैक्स देंगे तो उसकी वजह से भी उनके हाथ में अच्छी खासी सेविंग रहेगी। फिर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे, फिस्कल डेफिशिएट जो है वो राइज होगा। कि फिस्कल डेफिशिएट राइज कब होता है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और उसके पास रेवेन्यू कम आ रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो मनी है उसको जनरली प्रिंट किया जाएगा और इकोनॉमी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और लोगों की वेज इंक्रीज करी जाएगी। बट गवर्नमेंट के इन सारे इनिशिएटिव लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमी जब रिसेशन में होती है तब रिफ्लेशन जैसा केस क्रिएट होता है। फिर आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हायर लेवल पे होती है। जैसे कि अगर आपने पिछले एक दो मंथ्स की न्यूज़ सुनी हो तो ये भी कहा गया था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो इस टाइम स्टैगफ्लेशन के टाइम पे है। स्टैगफ्लेशन और मैंने करंट अफेयर में अच्छे से डिस्कस भी किया था उस टाइम। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जब दोनों हायर लेवल पे होती है तो डैट इज़ स्टैगफ्लेशन, ठीक है। फिर आता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, ये एक तरीके से अनयूजुअल इन्फ्लेशन होती है। जैसे तीन सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो एक सेक्टर में तो इन्फ्लेशन आ जाएगी और बाकी के जो दो सेक्टर्स होंगे वो अनटच्ड रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, ठीक है। फिर देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देखिए जीडीपी दो तरीके का है, एक करंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है कि अगर हम एक साल पुराना, दो साल पुराना या कितने भी टाइम पुराने जीडीपी से आज के जीडीपी को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि एक कांस्टेंट प्राइस पे कर रहे हैं, वो तो हो गया आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और जो आज का प्राइस है अभी का, जस्ट उस पर हम जीडीपी को देख रहे हैं, तो वो हो गया जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जो रेशियो होती है जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल होते हैं, इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू होती है 1, और इसका मतलब ये है कि प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना वो डिफ्लेट हुई है ना ही वो इन्फ्लेट हुई है। और ये बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ये भी कहा गया था कि इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए ये बेस्ट तरीका है क्योंकि ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। फिर देखते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होते हैं। देखिए जब इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो ये कहा गया कि ऐसे थोड़ी है कि कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है कभी भी घट रही है, आपको कुछ ऐसा टारगेट सेट करना चाहिए कि इन्फ्लेशन अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो आपकी इकोनॉमी ख़राब जा रही है। तो उसके लिए RBI ने 2015 फरवरी में एग्रीमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया गवर्नमेंट के साथ, और उसमें RBI ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लॉन्च किया। यहां पे बेसिकली कहा क्या गया था, और ये प्रीवियसली UPSC ने पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट यहाँ पे रखा गया था वो 4% रखा गया था। 4% के साथ एक बैंड रखा गया था ±2% का। ±2% के बैंड का क्या मतलब है, देखिए इन्फ्लेशन को क्या रखा गया, 4% पे रखा गया। -2% क्या हुआ कि अगर 2% तक भी इन्फ्लेशन जाता है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और +2% का क्या मतलब हुआ कि 4% में अगर आप 2% ऐड ऑन कर देते हैं, अगर इन्फ्लेशन 6% तक भी चला जाता है तो वो एक हेल्दी रेंज है इन्फ्लेशन की। तो ±2% ऑन 4% इज़ अ हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। और उसके बाद RBI ने ये कहा कि देखिए हम जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, ताकि हम इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से
रेगुलेट कर सके, तो हम उन सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को पब्लिश भी करेंगे ताकि लोग देख सके कि हम किस तरीके से कंट्रोल एंड रेगुलेशंस कर रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि आरबीआई को हर 6 महीने बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिश करना होगा जिसमें एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है इसका सोर्स क्या है, और दूसरा ये भी कहा गया कि इन्फ्लेशन जो है वो फोरकास्ट भी करना होगा फॉर 6 to 18 months, मतलब कि आज के दिन जो है इन्फ्लेशन फोरकास्ट करना होगा कि अगले 6 महीने से लेके 18 महीने के बीच में इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा और किस तरह की इकोनॉमी की कंडीशन होगी। तो अभी तक हमने सारे टर्म्स को डिस्कस कर लिया है अच्छे से। जो कल नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बिजनेस साइकिल को और जो इसके वेज मेजर्स और भी 4-5 चीज़ें रह गई है उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।